अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स। सो वी हैव टू फर्स्ट नो दैट द व्हाट इज एयर, हवा। हवा क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एज वी ऑल नो दैट हवा में बहुत सारी डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। Mainly the gases which are present in the air, as we all know that हमें पता है कि जो mainly gases present होती हैं air में वो कौन सी होती हैं, that are oxygen because हम oxygen inhale करते हैं and carbon dioxide because we are exhaling carbon dioxide. So these two main gases are present in the air. But beside these gases, इन gases के अलावा और भी बहुत सारी gases हमारे air में मौजूद होती हैं। तो अगर हम से ये कोई पूछे या लाइक वी हैव टू डिफाइन दैट कि हमें डिफाइन करना हो हवा क्या है, एयर क्या है, सो यू वी हैव टू से दैट द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस इन विच डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कंपोजिशन, लाइक डिफरेंट परसेंटेज से वो गैसेस हवा में मौजूद हैं। सो एयर इज कंपोज ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज आई टोल्ड यू ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। एंड द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन। ओके, However, some other gases making it pollutant, और gases भी मौजूद होती हैं हवा में, लेकिन वो हमारी हवा को या air को क्या कर रही होती हैं, pollute means आलूदा, गंदा कर रही होती हैं उसे। They are sulfur dioxide, carbon monoxide, oxides of nitrogen and other substances such as suspended particle of heavy metals, mercury, lead, etc. And some other substance like chlorofluorocarbons, like air जो है वो हमारी mixture है different चीज़ों का, different gases का। Some gases are the part of air, वो हवा का part है, but some gases are not the part of the air, they make it pollute, वो हवा को pollute कर रहे हैं। Because we are inhaling air along with the oxygen, so we must inhaling some other gases as well, हम दूसरी gases भी inhale कर रहे हैं। If they are in high concentration, अगर वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में, एक ज़रूरत से ज़्यादा कंसंट्रेशन में हवा में मौजूद होंगी तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस एंड कॉज डिफरेंट डिसीज़ेस एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन अस, जो हमारे साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, हमें डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैट के वी डोंट डू एनी थिंग that will make the air pollute। हमें कोई ऐसी या किसी भी ऐसी चीज़ को हमने हवा में mix नहीं करना चाहिए, like बहुत सारे लोग हैं ऐसी चीज़ burn कर रहे हैं, like factories में कुछ ऐसे harmful chemicals burn हो रहे हैं जिसका smoke directly air में release हो रहा है, जो ना सिर्फ हमारी air को pollute कर रहा है और वो pollute करने के साथ साथ human beings में और different organisms में भी different diseases cause कर रहा है। So first of all, we have to know that the gases which can pollute the air is the sulfur dioxide. Sulfur dioxide, as you can see that the sulfur dioxide, the formula is for the sulfur dioxide is SO2. SO2, sulfur dioxide. Sulfur dioxide हमारे पास कहाँ से produce होती है? That is naturally the gas is produced by the volcanic eruptions. Volcanic eruptions एंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं उनके रिजल्ट में जो है ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड इट कंटेन द सल्फर एज इट्स कंपोनेंट। द सेकेंड मेजर सोर्स इज द ह्यूमन एक्टिविटीज, कोल एंड अदर फॉसिल्स फ्यूल कंटेन द सल्फर, द कम्बशन ऑफ दीज फ्यूल्स पॉल्यूट एयर विद सल्फर डाइऑक्साइड, लाइक जो हम कोयला जलाते हैं या कोई और फ्यूल हम जला रहे हैं, लाइक आप देखते हैं कि गाड़ियों में से इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, डीजल का धुआं है, ये सब कहाँ जाता है? ये सब एयर में आपके पास जो है वो मिक्स होता है और जो केमिकल्स हैं वो आपकी एयर के साथ मिक्स होकर आप या कोई भी
ऑर्गेनिज्म इनहेल करते हैं दैट विल बी हार्मफुल. प्रॉपर्टीज, सल्फर डाइऑक्साइड इज पंजेंट एंड इरिटेंट. पंजेंट मीन्स लाइक इट इज हैविंग अ बैड स्मेल एंड इरिटेशन. इट विल कॉज द इरिटेशन, लाइक आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी इफ देयर इज मोर सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर. सो इट्स प्रेजेंट कॉज द सफोकेशन, और आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा. सफोकेशन मीन्स दम घुटना, लाइक सांस लेने में आपको प्रॉब्लम फील होगी. हार्मफुल इफेक्ट्स, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड इन द एटमोसफियर एंड कॉजेज द एसिड रेन. इट विल ऑल्सो cause the acid rain. Acid rain means if it is having a high concentration in the rain will be acidic in nature and that will be very harmful for us. The next gas is the carbon monoxide. Again, carbon monoxide, naturally this gas is omitted in the volcanic eruption. Burning of natural gas in the air. Burning of natural gas in the air. Second source is the human activity. 75% of the carbon monoxide is produced by the vehicles. Like vehicle means गाड़ियों से 75% जो air में carbon monoxide हमें मिलती है वो हमारी गाड़ियों से release हुए हुए smoke के through mix up होती है. This gas is also emitted from the chimneys of the industries where the fuel is burned in air or metallurgical operations are under process. ऐसे मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे इंडस्ट्रीज में जितना भी केमिकल फ्यूल बर्न हो रहा है वो भी अपना जितना भी वेस्टेज है गैसेस का वो सब डायरेक्टली एयर में रिलीज करते हैं. सो अगेन इट विल कॉज द एयर पोल्यूशन. इट इज़ हाईली पॉइजनस. बाइंड ब्लड हीमोग्लोबिन. ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ बाइंड कर देता है और हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी सो वी आर नॉट बी एबल टू इनटेक द ऑक्सीजन इन द ब्लड दैट मच ऑक्सीजन विच विल बी डिमांडिंग बाय द बॉडी. इतनी हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे जितनी हमारी बॉडी की डिमांड है. सो इट विल ऑल्सो बी कॉज सम प्रॉब्लम्स विद अस. द नेक्स्ट गैस इज द नाइट्रिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. It is used as representative of two gases. Oxide of nitrogen means nitric oxide and nitrogen dioxide. From where it is produces again volcanic eruptions, fire, lightning and bacterial action produced by the oxides of nitrogen. Nitrogen is of the atmosphere is used by the bacteria and forms ammonia, nitrates and nitrogen dioxide. This phenomena is known as the nitrogen fixation. Most of the nitrogen in the air is used by bacteria and that will be converted into the ammonia and nitrates. Combustion of natural gas, fossil fuels, coals also produces nitrogen oxides in the atmosphere and it is used by the bacteria form ammonia, nitrates, nitrogen dioxides. अगेन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन. लाइक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं. फिक्स करने में हेल्प कौन कर रहा है? बैक्टीरियाज हेल्प कर रहे हैं. कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स एंड कोल आर ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमोसफियर. बोथ गैसेज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर रीसाइड्स इन द एटमोसफियर फॉर 2-3 days. लाइक इतने दिन तक वो हवा में मौजूद रहती है. देन दे कन्वर्ट इन टू द नाइट्रिक एसिड एंड अगेन इट विल कॉज द एसिड रेन इफ इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड. एंड एसिड रेन विल बी वेरी हार्मफुल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स एज वेल. ओके जी, द नेक्स्ट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. द नेक्स्ट वन इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, द कंपाउंड ऑफ क्लोरीन,
फ्लोरीन एंड कार्बन. क्लोरीन क्लोरो मीन्स क्लोरीन, फ्लोरो मीन्स फ्लोरीन एंड कार्बन. क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन. दीज कंपाउंड्स कंटेन क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन. एज आई टोल्ड यू दैट रेफ्रिजरेंट्स आर द सिंथेटिक कंपाउंड दैट आर यूज इन एयर कंडीशनर्स, refrigerators and freezers. They are the chlorofluorocarbon. Their function as a refrigerants is phase change to change gas into the liquid and liquid into the gas. The harmful effects are involved in the ozone depletion. We will discuss it later. What is the ozone depletion in this chapter? Ozone depletion, that chlorofluorocarbon causes the depletion of ozone. Ozone ki jo layer hamare पास मौजूद है उसकी डिप्लीशन को कॉज कर रहे हैं. दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस. अगेन इट विल आल्सो अ पोल्यूटेंट, इट विल बी आल्सो अ पोल्यूटेंट. अच्छा जी, एज आई टोल्ड यू दैट एयर पोल्यूशन कॉजिंग सम ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सम डिजीजेस. सो सम डिजीजेस आर हेयर इन दिस चैप्टर. दैट द डिजीजेस आर द फर्स्ट वन इज द एस्थमा. The second one is the bronchitis and the third one is the pneumonia. These three diseases is included in this chapter, but there are much more diseases which are caused by this air pollution. The first one is the asthma. Asthma, jaisa ki aapne sab naam suna hi hoga, ek common si disease hai. Ye kyun hoti hai? Because it is caused due to the indoor air pollution. Like hum ghar mein jo perfumes spray kar rahe hain, जो केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, जो डिटर्जेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जब किसी को अस्थमा होता है तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स, ये जो सब चीज़ें हमारी एयर में मौजूद होती हैं, ये सब उनको इरिटेट करती हैं. इस वजह से इनको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है. लाइक उनको हर किस्म की स्मेल, आइदर इट्स गुड और बैड, इट विल बी हार्मफुल फॉर अस और द फॉर द पेशेंट. एयर फ्रेशनर्स हैं आपके पास, पेंस हैं, किसी भी किस्म की जो भी कोई चीज़ कोई अच्छी स्मेल या बुरी स्मेल प्रोड्यूस कर रही हो, दैट विल बी नॉट गुड फॉर द एस्थमिक पेशेंट. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द ब्रोंकाइटिस. इट इज़ अनदर डिजीज ऑफ द लंग. द मेन इंडिक्शंस आर द इंडिकेशंस, द मेन इंडिकेशंस आर द कफिंग. ब्रोंकाइटिस की सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं क्या होते हैं, खांसी होना, पेन होना, मसल फटीग, फीवर एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी. सिगरेट स्मोकिंग, टबैको वायरसेस, इन्फेक्शंस बाय फंगस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर द मेन कॉजेज ऑफ दैट ब्रोंकाइटिस. इन दिस डिजीज द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई बिकम थिक एंड स्वेल एंड म्यूकस प्रोडक्शन इज इंक्रीज. म्यूकस की जो प्रोडक्शन है वो इस डिजीज में इंक्रीज हो जाती है. द नेक्स्ट एंड द थर्ड वन डिजीज इज द नमोनिया. Pneumonia is also the disease of lung. It is also the disease of lung in which the air sacs, जिस जो हमारे lung में air sacs होते हैं, जो आप देख रहे हैं ये जो air sac होते हैं वो pus से fill हो जाते हैं. किससे fill हो जाते हैं? Pus से. That is the pus, it is filled with the pus and the this cause the difficulty for oxygen to reach the blood. ये जो आपके पास pus की lining यहाँ आ जाती है, फिर oxygen को difficulty होती है कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके. सो इफ़ द ऑक्सीजन इज नॉट एब्जॉर्बिंग इन द ब्लड, वी कैन नॉट गेट इट इन द बॉडी. हम इनहेल तो कर लेंगे, जब तक वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगी, इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर अस, वो हमारे किसी काम की नहीं है. अगर हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है इन द लंग्स. इफ़ इट विल बी नॉट एब्जॉर्ब इन द ब्लड, दैट विल बी नो, दैट विल हैव नो यूज़ फॉर अस, वो हमारे किसी काम की नहीं है. सो इन दिस डिजीज लाइक इन नमोनिया, वेयर एयर सैक्स इज फिल्ड विद दिस पस एंड दिस लाइनिंग ऑफ द लंग विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन इन टू द ब्लड. दैट कॉज अगेन द चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी, हेडेक, loss of appetite, nausea, vomiting, weight loss are the main symptoms. There are several other types of pneumonia which are known as the chemical pneumonitis, like which will be caused by the chemical or toxic substance such as pesticides. Pesticides क्या होते हैं, जो हम pest को kill करने के लिए chemicals और दवाइयाँ use करते हैं, that is called the pesticides. Okay students, so we here we have to stop our lecture and we will continue in the next lecture. Today we are just learning that the what is air pollution,
from which substances the air is polluted and what are the diseases which is related to the एयर पॉल्यूशन. वो कौन कौन सी डिजीजे हैं जो हमारे पास एयर पॉल्यूशन से रिलेट करती हैं. सो यू हैव टू मेक द टाइटल पेज एज आई मैंशन इन द होमवर्क असाइनमेंट विच विल कलेक्ट फ्रॉम द स्कूल एंड यू हैव टू डू सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर एज आई मैंशन इन द होमवर्क असाइनमेंट. सो यू हैव टू कलेक्ट योर असाइनमेंट एंड यू हैव टू कम्प्लीट दैट वर्क इन द कॉपी and you have to learn and you have to also learn these questions. So inshallah I hope aapko samajh mein aa gaya hoga and we will continue in the next lecture. Allah Hafiz.